साउथ के बड़े सुपरस्टार कमल हासन अस्पताल में हैं। तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को उन्हें चेन्नई के श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर यानी SRMC में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल एक्टर की स्थिति में सुधार है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर हैदराबाद से चेन्नई पहुंचे कमल हासन को रात बेचैनी और बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक रेगुलर मेडिकल चेकअप था और डॉक्टरों ने कमल हासन को आराम करने की सलाह दी है और उन्हें आज से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो कमल हासन फिलहाल शंकर के इंडियन 2 हिट रियलिटी शो बिग बॉस तमिल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी सहित कई कमिटमेंट्स में बिजी हैं। वो हाल ही में हैदराबाद अपने सहयोगी और फेमस डायरेक्टर विश्वनाथ के घर मिलने के लिए भी गए थे और काफी चर्चा में थे। इसके अलावा कमल हासन ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट KS-234 के लिए नायकन निर्देशन मणिरत्नम के साथ यूरेनियम की अनाउंसमेंट की थी। ये फिल्म 2024 में स्क्रीन पर आएगी।